भगवान श्री राम की नगरी में दीपोत्सव की तैयारियां धूमधाम से। 17 लाख दीपक राम की पौड़ी के घाटों पर जलाए जाएंगे। कल इसका रिहर्सल भी किया गया, आप देखिए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव इस बार कितना खास होने वाला है। 23 अक्टूबर की शाम को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की भव्य तैयारी चल रही है। कल शाम इसका रिहर्सल भी किया गया। दीपोत्सव से पहले शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा। इस दौरान सरयू के तट पर आरती भी की गई। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अयोध्या में इस बार दीपोत्सव के मौके पर 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। 22,000 वॉलंटियर्स तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस बार पीएम मोदी भी दीपोत्सव में शामिल होने के लिए 23 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। पीएम के आने से पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोविड संक्रमण से राहत मिलने के बाद इस बार दीपोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 22 और 23 अक्टूबर को अयोध्या के सभी होटल धर्मशालाओं की पहले ही बुकिंग फुल हो चुकी है। हर कोई इस भव्य दीपोत्सव का गवाह बनना चाहता है।